हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2018 में धुआंधार रनों की बारिश करने वाले टॉप बैट्समैन की। सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन किन विलियम्सन इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के दौरान शानदार फॉर्म में नजर आए। वह आईपीएल के एक सीजन में 700 से ज़्यादा रन बनाने वाले छठे सबसे बड़े बल्लेबाज बन गए। इस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे वो। उन्होंने इस सीजन में 17 मैचेस में 735 रन बनाए, जिसमें 8 फिफ्टीज और शामिल है। वहीं अगर बात करें दिल्ली डेयरडेविल्स के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत की, तो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में दिल्ली के लिए 600 रन बनाए और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने पूरे सीजन में 14 मैचेस खेले, जिसमें से 684 रन बनाए। इसमें 5 फिफ्टीज और एक सेंचुरी भी शामिल है। अब अगर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज केएल राहुल, तो उन्होंने इस साल आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने पूरे सीजन में टोटल 14 मैचेस खेले और 659 रन बनाए, जिसमें से 650 शामिल है। राहुल ने आईपीएल में 14 गेंदों में 50 लगा करके यूसुफ पठान और सुनील नरेन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब अगर बात करें तो पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस और इस सीजन में चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलने वाले अंबाती रायडू ने इस बार आईपीएल में जबरदस्त बल्लेबाजी की है। उन्होंने कुल 16 मैचेस खेले, जिसमें से कि 602 रन बनाए, उसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। बात करें आगे तो आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ओपनर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वो इस साल के टॉप बैट्समैन में से एक रहे हैं। शेन वॉटसन ने इस बार 51 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक जड़कर लोगों के दिलों को जीत लिया। उन्होंने पूरे सीजन में 15 मैचेस खेले और उसमें उन्होंने 555 रन बनाए, जिसमें 2 फिफ्टीज और 2 शतक शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले धुआंधार बल्लेबाजों का एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।